चलो भाई एक काम करते हैं, सारी खरीद लेते हैं। अब अभी कहाँ जा रहे थे वैसे? फिर जा रहे यार। सर इतनी सारी रिकॉर्डिंग करनी? हाँ। कहाँ से लाया? आपके लिए नहीं लाया मैं। Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. तो अभी अभी जस्ट उठा हूँ मैं और आज मेरा प्लान है सुबह सुबह पहाड़ पे जाने का, वही पोर्स लेके। बिकॉज भाई पोर्स ले तो लिए मैं चला ही नहीं पाता हूँ और मैंने पहाड़ पे चलाने के लिए ली थी, तो अब चलते हैं सुबह सुबह क्योंकि ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा। लेट्स गो गाइस। गाइस सामने देखो कॉटन कैंडी मिल रही है, कितनी प्यारी लग रही है, मन कर रहा खरीद ले। चलो अंकल से पूछते हैं। ये अगर मैं सारे ले लूँ तो कितने की दोगे? 20 रुपये का। कितने हैं टोटल? 180 दे दोगे मेरे को सारे खरीद लेते? चलो गाइस एक काम करते हैं, सारे खरीद लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, कुछ यहाँ कुछ आगे। अब आप अभी कहाँ जा रहे थे वैसे? कहाँ जा रहे थे बेचने? रामलीला में बस लास्ट के थोड़े से रह गए, फाइनली सारे ले लिए। तो हमने सारी कॉटन कैंडी खरीद ली है। गाइज मैंने खरीद तो ली सारी, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है, पीछे डिग्गी में रखी है ना वो मेल्ट हो सकती है, बिकॉज वहाँ बहुत गर्मी होती है, इसका इंजन पीछे है ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि वो पीछे वाली कॉटन कैंडी भी यहाँ रख लूँ, यहाँ एसी चला लूँगा तभी मेल्ट नहीं होगी। तो चलो पीछे वाली निकालते हैं और वो भी आगे रखते हैं, फिर बांट देंगे सब में। तो जो ये वाली है ना ये भी आगे डाल देते हैं, यहाँ पे ना सारी मेल्ट हो सकती है। पूरा भर गया भाई, फिर जा रही है यार। अब सही है भाई, इस वाली सीट में भी आ गई है। भाई मैं निकला किस लिए था और कर क्या दिया देखो, तो अब घर चलते हैं, कुनाली खुश हो जाएगा भाई बहुत। अरे ये क्या है? कैसे है? अरे वाह, ये एक अंकल ले जा रहे थे पता है। कुनाली को बुलाओ, कुनाली को बुलाओ। चलो कुनाली को दिखाते हैं, कुनाली आप बहुत खुश होने वाले पता है, अब इसको गाड़ी में बिठा दे एक बार। इतनी सारी कॉटन कैंडी? सर इतनी सारी कॉटन कैंडी? हाँ। कहाँ से लाया? आपके लिए नहीं लाया मैं। ठीक है एक ले लो बस। तो अब चलते हैं ये सारी कॉटन कैंडियों को बांटने के लिए, जितने बच्चे मिलेंगे ना सब में बांट देंगे। चलो भाई। गाइस सामने स्कूल के बच्चे जा रहे हैं तो इनको दे देते हैं। भाई एक बारी में ही 60-70 खत्म। सही है स्कूल के बच्चे मिल गए थे, सारे खुश हो गए भाई, सबको दे दिए। गाइस ऐसे ना रैंडम चीजें करने में बड़ा मजा आता है, जैसे अंकल दिखे तो हमने उनसे खरीद लिए सारे के सारे और अब बच्चों को दे दिए तो अच्छा लग रहा है। बच्चे भी खुश हो गए, अंकल भी खुश हो गए थे। अंकल जा रहे थे रामलीला में, वहां जाके वो रामलीला में बेचते और सही उनका भी दिन बन गया होगा। सही एक ही बारी में सारे बिक गए उनके और खुश भी हो गए थे बहुत ज्यादा। भाई आगे और बच्चे दिख रहे हैं देखो, इनको भी दे देते हैं। हेलो, ये लो कैंडी। ये लो। बस अब इतने से बाकी है गाइस। तो बस एक रह गया ये लास्ट, तो सोच रहा हूँ कि ये तो मैं ही खा लूँ क्योंकि मेरे को भी पसंद है ये। फाइनली घर पहुंच चुके हैं और लास्ट बची है देखो, ये मैं खा लूंगा। तो लास्ट कैंडी कुनाली के लिए। तो फिलहाल लंच करेंगे, भूख लग रही है बहुत ज्यादा। चिल्ला और चटनी। तो भी आए हो नए घर पे और यहाँ पे देखो दरवाजे रेडी हो गए हैं नए घर के लिए। ये देखो ये रहे दरवाजे, ये रेडी हो गए हैं, अब इनको फिट करना है बस और फिर पेंट करेंगे, इसमें वाइट पेंट करेंगे। सारे वाइट दरवाजे होंगे हमारे घर में, सारे वाइट। देखो डिजाइन सिंपल डिजाइन है इस तरह का कुछ। ये डोर लगेंगे यहाँ पे, एक डोर यहाँ लगेगा, एक डोर यहाँ लगेगा, एक डोर वहाँ लगेगा, एक डोर यहाँ लगेगा। चलो काउंट करते हैं कि हमारे पूरे घर में कितने डोर हैं, टोटल डोर कितने हैं, काउंट करते हैं। चलो एक एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, यहाँ तो लिफ्ट आएगी, लिफ्ट का डोर अलग होगा। 10 11 12 यहाँ विंडो आएगी, यहाँ विंडो, यहाँ डोर नहीं आएगा। इस वाली वॉल में पूरी पैनलिंग होगी, तो यहाँ देखो पूरा लकड़ी लगा रहे हैं, यहाँ पे देखो पूरा वुड लगा रहे हैं। ये देखो इस तरह की सीधी सीधी लकड़ी लगा दी है, अब इसके ऊपर पूरी सीधी
नीचे तक पूरी लकड़ी आएगी, पूरा डिजाइन बनेगा लकड़ी से ही। भैया कितना टाइम लगेगा इसमें? 15 दिन। 15 दिन में ये एक वॉल होगी, क्योंकि काफ़ी बड़ी वॉल है ना ये, इसको अच्छे से डिज़ाइन करेंगे। क्योंकि जो हमारे घर का ये वाला एरिया ना, ये मेन एरिया गाइस, ये जो वॉल है ना ये सबसे मेन है, क्योंकि अंदर आएंगे इधर बैठेंगे सब तो ये दिखेगा मेन, तो इसको अच्छे से जाएंगे पूरा। ये देखो यहाँ पे लकड़ी लगाई है ना, ये पूरी अच्छे से यहाँ से लेके पूरी वहाँ तक लकड़ी लगाई है। इसमें अभी पूरी प्लाई लगेगी पूरी, फिर इसमें डिज़ाइन होगा, और ऐसे ही यहाँ भी होगा पूरा। तो हाँ, यहाँ पेंट वगैरह नहीं करा रहे हम, पूरा नीचे से ऊपर तक लकड़ी से डिज़ाइन बनेगा। गाइस 12 दरवाजे तो ऊपर ही है, तो अभी आ गया हूँ नीचे वाले फ्लोर पे, यहाँ पे काउंट करते हैं। तो ये है 13वां दरवाजा, एक दरवाजा यहाँ पे आएगा मंदिर का, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। यहाँ भी दरवाजा आएगा पूरा बड़ा, वहाँ से यहाँ तक एक दरवाजा आएगा, 24 दरवाजे हो जाएंगे पूरा। शायद यहाँ भी आएगा, नहीं यहाँ पे शायद नहीं आएगा, यहाँ कंफर्म नहीं है गाइस अभी मुझे। भाई दो फ्लोर में 24 दरवाजे हो गए, अभी तो बेसमेंट भी है और ऊपर स्टूडियो भी है। एक दरवाजा यहाँ आएगा 25, एक वहाँ आएगा 26, 27, 28, 29, 30। भाई साहब 30 दरवाजे हो गए, 30। अभी बेसमेंट काउंट नहीं किया, बेसमेंट भी काउंट करेंगे अभी। और गाइस सबसे ज़्यादा खर्चा भी इसी काम में आने वाला है, वुडन वाले में, बिकॉज भाई 30 दरवाजे बनाने हैं और हर कमरे में बेड बनाने हैं, अलमारियाँ बनानी हैं, बहुत कुछ बनाना है। भाई देखने में लगता है ईजी घर बनाना, बट जब बनता है ना भाई, और सबसे मेन तो फिनिशिंग का काम, जो वुडन काम होता है ना उसमें हालत ख़राब होती है भाई, जो कि अब चल रहा है पता हमको कि भाई वुडन का काम कितना एक्सपेंसिव होता है, कितना ज़्यादा टाइम लगता है। तो देखते हैं, करवा लेंगे, आप लोगों को ऐसी सपोर्ट बनाए रखना, हो जाएगा काम जल्दी से। चलो बेसमेंट में चलते हैं। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38। भाई मुझे लग रहा है लकड़ी भी कम पड़ेगी, देखो इतनी सी लकड़ी है यहाँ पर, इतनी है बाकी इतनी है, इतने पता नहीं बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, 38 दरवाजे और साथ में अलमारी वगैरह सब और मंगवानी पड़ेगी मुझे लग रहा है। देखो यहाँ से ऊपर चलते हैं, बाकी तो यहाँ विंडो आएगी, यहाँ विंडो आएगी, यहाँ विंडो, यहाँ विंडो, वहाँ विंडो, अरे हाँ एक दरवाज़ा इधर भी है, 39 हो गए और मेन गेट हो गया 40। चलो भाई टोटल 40 हो गए गाइस, 40 दरवाजे घर के अंदर, पता नहीं कैसे बनेंगे भाई। अभी तो कितने बने, अभी तो 7-8 ही बने हैं शायद, देखते हैं अभी कितना टाइम लगेगा। 40 दरवाजे बनाने हैं, 40। चलो अब चलते हैं घर। भाई मैंने आज पहली बार काउंट किए हैं सारे दरवाजे, मुझे पता नहीं था भाई 40 दरवाजे लगेंगे, 40 मुझे लगा कि 10-12 लगेंगे। अब घर पे सबको बताऊंगा, पता नहीं सबने काउंट किए नहीं किए। ये देखो तबीयत ख़राब है और यहाँ टीवी देखे जा रहा है। चल एक चीज़ गैस कर, हमारे नए घर में कितने दरवाजे लग रहे होंगे टोटल घर में? पूरे घर में दरवाजे, पूरे घर में कितने दरवाजे लग रहे होंगे टोटल? 22। हाँ 22 नहीं और भी ज़्यादा है, गैस कर कितने होंगे? 22 नहीं, 22 तो नहीं है, ज्यादा ही कमरे तो नहीं, नहीं तो गैस करना। 18 कमरे कितने, 12 कमरे हैं, 12 कमरे के हिसाब से कर ले। ये तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। रॉन्ग आंसर। 28। हम्म, 28 नहीं, अब मैं किसी और से पूछूंगा। 31 बताओ, टोटल है 40। 40 40 मैं काउंट करके आया हूँ, आपकी काउंटिंग हो रहा था थोड़ी में। चलो मम्मी से पूछते हैं, मम्मी जी बताओ हमारे नए घर में टोटल कितने दरवाजे होंगे टोटल? टोटल हाँ बता क्यों, भी थोड़ा टाइम तो दे। नहीं नहीं अभी अभी बताओ, एकदम कैसे बताओ चाची, आप बताओ। गिनो मत, ऐसे ही बताओ ना, गैस करो, गैस करो। हैं 15 दरवाजे, आप बताओ। 18 हैं, 18 तू बता। सब मिला के ऐसे 12-13 होंगे। हैं 12-13 12 तो कमरे ही हैं, वही तो अब विश्वास नहीं करोगे, मैं खुद खिल गया। बताओ अभी है 40 दरवाजे बन रहे हैं हमारे घर में, 40। अरे बेसमेंट भी तो हुआ नीचे, बेसमेंट में नहीं है 2-3 कमरे, उसके टॉयलेट बाथरूम रसोई कमरे बन रहे हैं उसके भी तो हुए। वैसे कह दिया तू कम आएगी। 40